इस वीडियो में हम देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी। इससे पहले आपको नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी का फॉर्मूला आना चाहिए। नॉर्मेलिटी बराबर है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, जबकि मोलैरिटी बराबर है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। आप डिवाइड कर लें नॉर्मेलिटी को मोलैरिटी के साथ। यहाँ पे आप नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला लिखें और नीचे मोलैरिटी का। यहाँ पे जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर है वो कॉमन है, तो ये आपस में कट जाएगा और हमारे पास आएगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट ओवर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अब इन दोनों को ओपन कर लें। ग्राम इक्विवेलेंट होता है मास ओवर इक्विवेलेंट मास के, जबकि मोल्स बराबर होता है मास ओवर मॉलिक्यूलर मास के। तो यहाँ पे मास कॉमन है तो वापस में कट जाएगा, तो वन ओवर इक्विवेलेंट मास ओवर वन ओवर मॉलिक्यूलर मास ही हमारे पास आएगा। अब मास में फैक्टर होता है जो फोर्थ फैक्टर है वो मल्टीप्लाई होता है फर्स्ट फैक्टर के साथ, और सेकंड जो है फैक्टर है वो थर्ड फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई होता है। इस तरह इसको ये सॉल्व करने के बाद हमारे पास आएगा मॉलिक्यूलर मास ओवर इक्विवेलेंट मास। अब इक्विवेलेंट मास बराबर होता है मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एक्स फैक्टर। जो एक्स फैक्टर है वो है वैलेंसी फैक्टर। इन केस ऑफ एसिड इट इज़ नंबर ऑफ प्रोटॉन रिलीज बाय द एसिड, इन केस ऑफ बेस इट इज़ नंबर ऑफ हाइड्रोक्सलाइन रिलीज बाय द बेस, और इन केस ऑफ सॉल्ट इट इज़ द वैलेंसी ऑफ कैटाइन। तो यहाँ पे एक्स आ गया नॉर्मेलिटी ओवर मोलैरिटी के बराबर। तो सिंपली रीअरेंज करें तो नॉर्मेलिटी आ जाएगा बराबर मोलैरिटी मल्टीप्लाई विद एक्स फैक्टर। तो अगर हमारे पास मोलैरिटी गिवन हो और एक्स फैक्टर हमें पता हो तो हम नॉर्मेलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि नीचे एक न्यूमेरिकल भी है कि आप 0.2 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड की नॉर्मेलिटी फाइंड करें, तो नॉर्मेलिटी बराबर है मोलैरिटी मल्टीप्लाई एक्स फैक्टर, और सेम केस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एक्स बराबर होता है 2 के। तो सिंपली हम 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.2 के साथ, तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा 0.4। इस तरह हम मोलैरिटी गिवन हो तो हम उसके नॉर्मेलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ जाएगी।